हमन के अगर रोड में ना कमा जाए तो हमन के लेके खैले बिना मर जाइए। हमन के वही सहारा है, हमन के ठेला एकदम लगाना है, वही जीना खाना है। हम लोग के नौकरी है नहीं। प्रथम अधिकार गाँव वालों को दिया जाए, बाकी उसके बाद सबको दिया जाए। अगर थोड़ी ना उठी कह पाएगी लिबरे के पलवार जिया पाई पांठ लेके बड़े तो जिया किया ले। हमन अपन ओन से रोजी रोजगार कह के अपन परिवार के जिया लेवल जाला। हमन के रोज 100 रुपया बची हमन के मंजूर बा, लेकिन हमन के अस्थायी रूप से वही दुकान जी से भी मिले। मुख्यमंत्री जी ने निर्देशित किया था कि हाँ तुम लोग व्यवस्था किया जाएगा, लेकिन अधिकारी की स्थिति ये है, इतने बेलगाम हो गए हैं कि उनको मुख्यमंत्री जी की भी बात नहीं सुनाई देती है। ये सबसे बड़ा विडंबना। गोरखपुर लाइव देख रहे हैं आप, और इस समय हम हैं कमिश्नरेट में, गोरखपुर कमिश्नर परिसर में हैं, और हमारे साथ पटरी व्यवसायी पार्टी के नेता सुधीर झा जी हैं, और उनके साथ कुछ पटरी व्यवसायी हैं। नौका विहार के आसपास दुकानों को लेकर एक विवाद चल रहा है, उसको लेकर ये लोग प्रदर्शन कर रहे हैं। क्या आज आप लोग आए हैं यहाँ पर, क्या किसी से मुलाकात हुई, क्या मांगे? हाँ, अभी कमिश्नर साहब तो थे नहीं, यहाँ पर कमिश्नर साहब से बात हुई। उन्होंने कहा है कि जीडीओ को, नगर निगम को, सबको बुला के हम इस पर बात करेंगे, आप लोगों को ही बुलाएंगे। हाँ, और इस पर जो होगा वो सही कार्रवाई किया जाएगा। दूसरी चीज़, हमने उनको बताया भी है कि आज तक जो नगर निगम प्रशासन और जीडीए जितनी भी दुकानें बनाई और जितने भी लोगों को आमंत्रण किया, इसकी जांच करा लिया जाए, सारी दुकानें बंद हैं। क्या आपको लगता है इसमें अनियमितता हुई है? एकदम हुई है। आप अगर अनियमितता नहीं हुई होती और भ्रष्टाचार नहीं होता, आप हमको बताइए। यही बगल में जाके देखिए, दुकान बनी है आज, बने हुए लगभग कम से कम 2 से 3 साल हो गए। कागज़ में इनको आमंत्रण भी कर दिया जाए, किन लोगों किया गया उनको पता भी नहीं है, पहला चीज़। दूसरी चीज़ ये है, दुकानें जब बनाई गई तो इसको पटरी व्यापारियों से या किसी से बात की कोई सहमति नहीं ली गई। क्यों? कोई संवाद नहीं किया गया, इनका कोई संवाद नहीं किया गया। जबकि आप जानिए, नगर निगम ने इसलिए वेंडर कमेटी बनाया है कि पटरी व्यापारियों की कोई भी योजना आता है, जिस वेंडर कमेटी में मैं खुद मेंबर हूँ, उस पहले उस चीज़ का चर्चा हो कि उसको कैसे पटरी व्यवसायियों को किया जाए। आप जैसे देखिए, अब इसके गली के अंदर दुकान बना दी गई, दुकान बना दी गई तो अगर पटरी वाला जाए रहेगा भी तो अगर दुकान लगाएगा तो उसकी दुकान नहीं चलेगा। दूसरी चीज, जो बाहरी लोग हैं उन लोगों को तत्काल पहले तक जान लीजिए, पटरी वालों को दिया ही नहीं गया, 20% पटरी वालों को दिया गया, 80% बेच दिया गया। ये यहाँ की स्थिति भी है, ट्रांसपोर्ट नगर की भी स्थिति है, रुस्तमपुर की भी स्थिति है। रुस्तमपुर की तो ये विडंबना है, रुस्तमपुर में जो पटरी वाला दुकान लगाना चाहता है उसको लगाने का ही नहीं मौका अभी तक दिया गया। और सबसे बड़ी चीज़ समझिए, सरकार के पैसों का कितना ये बंदरबांट हुआ है। आप अभी दुकान बसे नहीं, आप जाके देखिए, जो ठेकेदार बनाया होगा पेमेंट करके अपना गया और लगभग आधा धाराशाही हो गया। अभी तक तो उसको क्लीन भी नहीं बनाया गया कि जिसमें दुकान लगे, आप जा करके देख लीजिए, बनने से पहले गिरना शुरू होगा। ट्रांसपोर्ट नगर की स्थिति भी वही है। तो ये सब चीज़ों के भ्रष्टाचार को जाँच कराया जाए, और हमने आज यही दिया है कि जितने भी नगर निगम और जीडीए ने दुकान बनाई और आमंत्रण किया, सबकी जाँच कर ली जाए, और जिन अधिकारियों ने इसमें भ्रष्टाचार में लिप्त हैं उनके खिलाफ कठोर कार्रवाई किया जाए। क्योंकि पुनः कोई पटरी व्यापारियों के साथ, इन गरीबों के साथ कोई बंदरबांट भ्रष्टाचार करने का दुस्साहस ना करे, एक नज़ीर हो। और जो वर्तमान स्थिति में देखिए, अब फिर एक आज हम लोग जो आए हैं, मुख्य मामला ये है कि नौका विहार से हम लोग पदयात्रा 5 किलोमीटर आज शांति मार्च और निकाल के तब आके यहाँ प्रदर्शन हम लोगों ने किया। नौका विहार से हम लोग पैदल चल करके यहाँ आए हैं। आप वहाँ जाके देखिए, जीडीए कह रही है पार्क में दुकान लगाई जाए। आप हमको बताइए, अगर पटरी वाले पार्क में दुकान लगाएंगे तो पहला काम पार्क में गंदगी होगी, दूसरा काम बरसात होगा तो पूरा जब बजबजाएगा वो गंदगी उंदगी तो वहाँ पे संक्रमण फैलेंगे, तीसरा सबसे बड़ा काम जो पटरी वाले वहाँ दुकान लगाएंगे उनकी दुकान भी नहीं चलेगी, और चौथा सबसे जो बंदरबांट है अधिकारियों का, जो भ्रष्टाचार है कि उसी दौरान सारे पटरी वालों को अंदर भेज देगी और बाहरी पटरी वालों से रुपया लेकर के बाहर दुकान लगाने का काम करेगी। ये जीडीए और तमाम जो ये भ्रष्टाचार में लिप्त हैं उन लोगों का कार्य का ये की योजना है, पहला चीज़। दूसरी चीज़, वो दुकान ऐसे ही, जैसे पहले भी जीडीए ने जब दुकान बनाया तो पटरी वालों कहा कि दुकान बसा दी जाएगी, लेकिन एक भी नहीं बसाया गया। जो दुकानें बनी 10% पटरी वालों को दिया गया, 90% बेच दिया गया। आज पटरी वाले जहाँ के वहीं हैं। और एक गंभीर विषय और, आप सोचिए कि पटरी वाले वहाँ पर में वही दुकानदार ज़्यादा से ज़्यादा हैं जिन दुकानदारों को वहाँ पे ज़मीन भी चली गई है। सरकार ने उस समय भी इन लोगों को छलने का काम किया, कहा था कि ये हर घर में एक नौकरी और 5 डिसमिल ज़मीन देंगे। वर्तमान में ना ज़मीन मिली,
और ना इनको नौकरी मिली। और वह लोग जब नौका विहार विकसित हुआ तो कहीं ना कहीं से पटरियों पे लगा करके अगर अपनी जीविका परिवार का चलाने के लिए एक मौका उनको मिला उसी से व्यापार करके अपनी जीविका को चलाएं, तो वर्तमान स्थिति ये हो गई कि सरकार वहाँ भी उनको नहीं रहने दे रही है, सरकार उनको भी वहाँ भी उजाड़ने का षड्यंत्र कर रही है। जबकि आप देखिए, जब उस समय था देखा गया था कि जो दुकानें बनेंगी उसमें वरीयता दिया जाएगा, जो यहाँ पर में स्टैंड होंगी, जो नौकाओं में जो है वो वाटर वाला बनेगा या जो भी चीज़ें बनेंगी उसमें जिन लोगों की जमीन गई वरीयता, कहीं कोई वरीयता नहीं दिया गया। तो इस बारे में जब अपने अधिकारियों से पूछा तो क्या जवाब, उनका कुछ जवाब है? अभी अपर हाब से हमारी बात हुई, उन्होंने बहुत संतुष्ट और बहुत अच्छी जवाब दिए कि नगर निगम को हम लोग बुलाते हैं, GDO को बुलाते हैं, इस मामले में बात करते हैं, आप लोगों को भी बुलाते हैं, बुला करके इस पर जो है कार्रवाई करते हैं और आप लोगों के साथ न्याय होगा। उन्होंने आश्वस्त किया, हम लोग उनकी बातों से आश्वस्त होकर जा रहे हैं। और अगर हम लोगों का नहीं सुना गया तो आज हम लोग यहाँ धरना दिए, कल जिला अधिकारी द्वारा मुख्यमंत्री को ज्ञापन देंगे। जरूरत पड़ी अगर प्रशासन की रवैया नहीं बदली, प्रशासन ने तानाशाही रवैया अपनाया, तो हम पटरी वाले सड़कों पर उतर करके जो आंदोलन करने का बात देंगे, क्योंकि पटरी व्यापारी पार्टी पटरी व्यवसायियों का उत्पीड़न और शोषण किसी भी दशा में बर्दाश्त करेगी नहीं। चलिए और भी कुछ लोगों से बात करेंगे। आप आ गए जी, क्या नाम है आपका? सुमन। कहाँ आप दुकान? नौका विहार पे। किस चीज़ का दुकान? भुट्टा का। भुट्टा कितने समय से लगाती हैं आप? 15 साल से। 15 साल से लगाती है? हाँ। जब नौका विहार इस तरह नहीं था। हाँ, नौका विहार नारल कराए पे नीचे भूजत रह गए। अब क्या समस्या आ रही है? अब क्या समस्या आया कि DDO का अधिकारी हमेशा बार बार आके खदेड़ते हमें, कभी पुलिस खदेरी, कभी दरोगा खदेरी, कभी DDO का अधिकारी खदेरे ने। पैसा मांगते हैं लोग? पैसा नहीं मांगते हैं, लेकिन पैसा तो लगता है जगह का। अच्छा, जो जगह दिए हैं ना आपके, उसका पैसा लगता है। पैसा देते हैं? हाँ, 5000 रुपया देते हैं। दो जगह है, दो लड़कन का, वो 5000 रुपया। पैसा ले रहे तभी भी नहीं लगाने दे रहे हैं? तो पैसा किस, आप पूछते नहीं कि हम पैसा दे रहे हैं तब क्यों रुक रहे हैं? तो ये समय खदे रहे हैं ना, बस वो खाली वो दुकान जो बनी है, कितना दुकान है? 34 दुकान जो बनी है वो खाली संतुष्टि के लिए हम लोग को बाहर दे दिए हैं, बाकी दुकान चालू करने के लिए दे दिए हैं। वो दुकान बाबा अपने मुँह से कह के गए ना कि जितने ये औरतें गाँव के हैं सबको हम दुकान बना के दिया जाएगा। कहाँ रहने वाले हैं आप लोग? हम लोग सोरे टोला के रहने वाले हैं, आसपास। हाँ, एकदम सर्किट हाउस के बगल के हैं। तो बाबा का नाम तो सही रहा, लेकिन तो हम लोग को दुकान नहीं मिला, एक भी दुकान नहीं मिला। गाँव वालों की आकाश निषाद, सोरेया टोला के निवासी हैं। तारामंडल की जो सारी जमीनें हम ही लोग की हैं, गाँव वालों की हैं। 1984 में हम लोग की जमीन GDO द्वारा अधिग्रहण कर ली गई और हर ग्रीन कार्ड जारी किया जिसे तो घर में नौकरी देने की बात की गई। तो और नौकरी नहीं दी जाती है तो आगे भविष्य में पटरी व्यवसाय ठेला कोपचा लगा के अपना जीवन यापन करेंगे, लेकिन ऐसा कुछ नहीं। GDO इस समय प्रताड़ित कर रही है हम लोगों को और सबका रोजगार जान लीजिए ठेले से ही चल रहा है। कोई सुनवाई नहीं हो रही? नहीं। क्या नाम है आपका? कोई सुनवाई नहीं। और आ गया जी थोड़ा सा। किस चीज़ की दुकान लगाती है? भुट्टा बेचते हैं। आप भी वही नौका विहार पे? जी। तो आपको भी हटाया जा रहा है? हाँ, सबको हटा जा रहा है। क्या कहते हैं, कौन लोग आते हैं हटाने के लिए? सब लोग, GDO वाले, पुलिस, दरोगा, क्या कहते हैं कि हट जाओ यहाँ से? हाँ, हटा जाते हैं। आप कहते नहीं हम 15 साल से लगा रहे हैं? डंडा चार्ज वाला तक कहते हैं तभी भी। क्या कह रही हैं? रोड डंडा चार्ज होला ना या टीली सब तो डंडा चार्ज हो जाला जुड़ता ठेला पे ला ठेला पे डंडा तुराए लगा ला मने इनके मारे लगे सब वहाँ के जेना पुलिस दरो क्या कोई ये बताइए कभी नोटिस वोटिस जारी करते हैं क्या कि आप लोग हटिए या कोई भी इस तरह अतिक्रमण हटाने से पहले तो नोटिस वगैरह जारी या इस तरह से पहले जी तो ये जान लीजिए मुख्य बात तो ये है कि पटरी वालों से GDO जिस तरीके से पैसा ले रही है पैसा लेने का भी GDO का अधिकार नहीं है क्योंकि फेरी नीति के तहत पटरी व्यवसायियों को कोई शुल्क नहीं लेना था। दूसरी चीज अगर पैसा लेना है तो पहले बेंडर कमेटी में पास होना है। बेंडर कमेटी में पास होना है और पटरी व्यवसायियों की सहमति से ही शुल्क लगना है। दूसरी चीज और जब GDO ने आवंटन कर दिया तो आप खुद सोचिए कि इन लोगों को हटाने से पहले नोटिस भी नहीं देते हैं। एकदम शुल्क कानूनी तौर पर ले रहे हैं और वो भी गलत ले रहे हैं। जब फेरी नीति के तहत पटरी वालों को कोई शुल्क नहीं और शुल्क लेना है तो बिना वेंडर कमेटी में पास किए नहीं लेना है तो किस हिसाब से ले रहे हैं ये भी गलत ले रहे हैं। दूसरी चीज़ है कि बिना नोटिस और पटरी वालों के ऊपर लाठी चलाना पुलिस द्वारा, हम तो इसका घोर निंदा करते हैं। चाची क्या नाम है आपका? लालती। आप सबसे पहले इस दुकान लगाते हैं? 20 साल से झोपड़ी डार के चाह बनावत रही, भुट्टा बेचत रही, हमके हटा दिया लोग, हमार खेत बाड़ी उसमें निकल गए, मुआवजा नहीं मिलल, एक माने नौकरी दे कल नौकरी भी नहीं मिलल, अब रोड पर रहे नहीं देते हम लोग। अब रोड को मैं लेकर अभी अभी आप दुकान लगाती थी? हाँ, अभी लगाते हैं। चाय और भुट्टे का? नौका विहार पे? नौका विहार पर। आप नहीं लगाते? कर हम नहीं लगाते लावत हम खदेरे लगाते तो हट जाते हैं चल जाती सब का कर लिया।
हर कहा गया था कि सबको जो जो यहाँ है उसका सर्वे करके अस्थायी तौर पे हम जगह देंगे, ग्रीन कार्ड भी बा भैया कुछ किया, ग्रीन कार्ड दिए बाटे, जीडीए ने दिया, जीडीए दिए ले, वो जमीन जब लिए हैं, अच्छा जमीन का ग्रीन कार्ड दिया, पटरी वालों पे इन लोगों को कहीं नहीं बसाया गया, जबकि मुख्यता रूप से जो दुकान बनी वो कहीं ना कहीं से प्रथम वरीयता में इनको मिलना चाहिए, सबसे पहले सब दुकान, हाँ क्योंकि क्योंकि इनकी जमीन भी गई, इनकी रोजी रोटी का सवाल है, और आज आज जब विकसित हुआ नौका विहार तो कहीं ना कहीं से ये ठेला लगा करके इनको लगा कि हमारा परिवार का जीविका यहाँ से पटरी व्यवसाय पे करके हम चला सकते हैं, और जब आए तो वहाँ भी अगर प्रशासन सवाल कर रही है तो आप सोचिए कितना इसमें जो है ये लोग भ्रष्टाचारी हो गए हैं कि दूसरे लोगों को बेचने के चक्कर में इनको मानवता भी भूल गए हैं कि जिसकी पूरी जमीन चली गई, जिसके पास कोई रोजगार नहीं है, आज वह विकसित होने के बाद अगर पटरियों पर रह करके भी अपने परिवार की जीविका चलाने का व्यवस्था कर रहा है तो वहाँ भी इस तरीका नहीं, और सबसे बड़ी विडंबना है कि ये लोग मुख्यमंत्री जी से भी मिले, मुख्यमंत्री जी ने निर्देशित किया था कि हाँ तुम लोग व्यवस्था किया जाएगा, लेकिन अधिकारी की स्थिति ये है, इतने बेलगाम हो गए हैं कि उनको मुख्यमंत्री जी की भी बात नहीं सुनाई देती है, ये सबसे बड़ा विडंबना है। कोई नहीं मिला? नहीं। क्या नाम है चाची आपका? क्या नाम है? सुभावती। आपका भी वहाँ दुकान है? किस चीज का? भुट्टा का। सब लोग ज्यादातर लोग भुट्टा ही है, पुराने पुराने समय से लोग दुकाने हैं, उसका अलॉटमेंट लॉटरी सिस्टम था जो की पहले से ही लॉटरी कर दिया गया था कि इनको दी जाएंगी दुकानें, मतलब हम जैसे आपका आरोप है, हाँ, मान लीजिए अगर 1000 लॉटरी पड़ी है तो 30-35 लॉटरी छाट दी गई है, मतलब उनके नाम छाट दिए गए हैं, पैसे लेके दे दिया गया दुकान, आज भी वो दुकानें बंद पड़ी हैं और कुछ दुकानें खुल रही हैं तो किराया उसका ले रहे हैं लोग, जिनके लॉटरी लिया गया जिनके पास दुकानें हैं वो 10,000 किराया चार्ज कर रहे हैं, लॉटरी नहीं थी वो, समझ लीजिए बंदर बांट करने का तरीका था, इनके भ्रष्टाचार का सामने लॉटरी सिस्टम नहीं हुआ, आप समझिए पहला काम आपको मैं बताया ना, पहला काम इन लोगों ने वेंडर कमेटी की मीटिंग तक नहीं की कि हमको कैसे लॉटरी निकालना, कोई पटरी व्यापारी पार्टी का ना कोई पटरी व्यापारी ना कोई व्यवस्था से कोई प्रतिनिधि नहीं रहा, और वो प्रतिनिधि में अगर वो फॉर्मेलिटी भी किए होंगे तो कोई दलाल तंत्र किए होंगे, वेंडर कमेटी का मैं मुख्य मेंबर हूं, आज तक उसमें ना बुलाया गया ना हुआ, जितनी भी आमंत्रण हुई हैं कहीं नहीं बुलाया, क्यों? क्योंकि इनके भ्रष्टाचार के पोल खुल जाएंगे, आप समझिए, ये कहते हैं हमने लॉटरी किया, लॉटरी में भैया कौन सी बात की, जो आप जो को चाह रहे थे उन्हीं को मिल गया, और दूसरी चीज लॉटरी करने का क्या मतलब है, जब हम वहाँ पर में जो दुकान लगा रहे हैं उनको सर्वे कराना है, अगर 10 दुकानदारों को रख दिया है तो ऐसे ही पता चल जाएगा कौन 10 साल से लगा रहा है, कौन 20 साल से लगा रहा है, एक जमीने भी गई है और जमीने गई है, सबसे बड़ी चीज है कि उनके पास खुद रोजी रोजगार का सवाल था, एक अच्छा मौका मिला सरकार को कि उनकी रोजगार वापस करने का, वो हमन के अगर रोड में कमा जाए तो हमन के लेके खेले बिना मर जाइए, वही सहारा है हमन के, ठेला एकदम लगाना है, वही जीना खाना है, हम लोग के नौकरी है नहीं, प्रथम अधिकार गांव वालों को दिया जाए, बाकी उसके बाद सबको दिया जाए, अगर थोड़ी ना उठी कह पाएगी लेबर के पलवार जिया पाई पांटो लेके बड़े से जिया खिया ले, हमन अपन ओना से रोजी रोजगार कह के अपन परिवार के जिया लेवल जाला, हमन को रोज 100 रुपया बची हमन के मंजूर बा, लेकिन हमन के अस्थायी रूप से वही दुकान दिया जाए, एक तरफ सरकार कर रही है कि हम व्यवस्था कर रहे हैं रोजगार देने की बात कर रहे हैं, एक तरफ इनके अधिकारी ही जो पटरी पे किसी तरीके से अपने परिवार का भरण पोषण की एक व्यवस्था बना रखे हैं उसको उजाड़ रहे हैं, और रोज उजाड़ रहे हैं, एक दिन की बात नहीं है रोज उजाड़ रहे हैं, और पटरी वालों के साथ स्थिति है कि अगर एक दिन दुकान उनका डिस्टर्ब होता है तो समझ लीजिए वो एक हफ्ते का पूंजी उनकी टूट जाती है। क्या कह रही हैं आप? कह रहे हैं सर कभी 4 बजे अलाउट हो जाला कि हटाइए हटाइए, कभी 5 बजे अलाउट हो रहा है, बताइए हम लोग का 50 रुपया बच, कभी भी हल्ला बोल देते हैं, कभी उस सब के मायने नहीं है, टाइम है कभी 2 बजे खा दे रहे हैं, बताइए वही पे हमन का रोजी रोज चला रहे, बाल बच्चे के जी आ रहे हैं, 50 रुपया 60 रुपया बचेगा तो वही लिए जब कमाएंगे, नहीं क्या अपने बाल बच्चे खिलाएंगे, कहाँ से देंगे 1200 महीना। क्या करें चाची? काले हैं कि कभी जाता खदेड़ दी है, जाते शुरू जैसे पहुंचो जाता भी लिया। ये आप तस्वीरें देख रहे हैं, कमिश्नरेट में हम हैं और पटरी व्यवसायी के तरफ से यहाँ पर एक जो है मार्च किया गया है और मांग की गई है कि जो इनके अधिकार है उन अधिकारों को दिलाया जाए, और जो इनकी मांगे हैं कि ये लंबे समय से 15 साल से 20 साल से यहाँ पर दुकानें लगाते हैं, लेकिन जीडी की तरफ से जो आश्वासन दिया गया था उसके बाद भी इनको दुकान अलॉट नहीं किया गया है और उनको प्रताड़ित किया जा रहा है। बाकी अन्य खबरों और जानकारियों के लिए बने रहे हमारे साथ, देखते रहे हमारे चैनल। धन्यवाद।